हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्पेशल सा रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर की सब्ज़ी। कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, सब बाहर से ऑर्डर करते हैं, तो अगर हम इसे घर में ही बना लें तो सबसे बढ़िया है। तो कुछ नहीं है इसके लिए, हमें प्याज, टमाटर और अदरक, लहसुन, मिर्च और थोड़े से बादाम और काजू की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। बाकी इतने से सामान से हमारा शाही पनीर घर में बहुत बढ़िया बन सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 7-8 काजू और 7-8 ही बादाम यहाँ भून लिए हम हल्के से तेल में, और जब तक ये पिंक से नहीं हो जाते, जब तक गोल्डिश सा कलर नहीं आ जाता है इसका, तब तक हमें इसको भूनना है मीडियम फ्लेम पे। और इधर प्याज और टमाटर मैंने ज़्यादा बारीक नहीं करने, बस 4-4 पीस मोटे मोटे से काट लेने हैं इसके। अब ये हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमें वो सब लहसुन 6-7 पूती छील ली है मैंने, वो सब मैंने रेडी करके पहले ही रख लिया है। ये देखिए, यहाँ पे 4 प्याज हैं बड़ी बड़ी सी, और 5-6 ये लहसुन, अदरक और 4 टमाटर बड़े बड़े, उनको काट लिया है ये देखिए, और हरी मिर्च भी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इसको भून लेना है, और अब मीडियम फ्लेम करके इसे ढक के 5-10 मिनट तक हमें इसे पकाना है। जब तक ये गल ना जाए तब तक हमें इसे मीडियम ही फ्लेम पे पकाते रहना है ऐसे ही। देखिए, यहाँ पे ये पक के रेडी हो चुका है अब हमारा। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक फ्रेंड्स ये ठंडा नहीं होएगा तब तक हमें इसे पीसना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे गर्म में पीस देंगे तो इससे हमें जलने का डर रहेगा, क्योंकि मिक्सी में ना एकदम ग्राइंड करते तो एकदम मिक्सी का ढक्कन खुलने का डर रहता है। तो अब यहाँ हमने मिक्सी के जार में कर लिया है, ये ठंडा हो चुका है। मैंने इसे आधा घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था बिल्कुल, अब ये ठंडा हो गया है। अब हमें एक फ्राई पैन या कोई भी कढ़ाई या कुछ भी ले लेना है, उसमें हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे, जीरा, हींग, थोड़ा सा साबुत सूखा धनिया और कस्तूरी मेथी थोड़ी सी, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि कस्तूरी मेथी से थोड़ा सा अच्छा कलर आएगा इसमें, अच्छा टेक्सचर आएगा जो शाही पनीर बन के रेडी होगा। और यहाँ पे हमें सारे मसाले इकट्ठे कर लेने हैं, एक सूखी लाल मिर्च भी डाल देंगे साबुत। यहाँ मैंने मसाले सारे इकट्ठे कर लिए हैं, आधी चम्मच लाल मिर्च, सूखा धनिया आधा चम्मच, और आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, मामूली सी हल्दी और नमक, ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं मसाले में। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा जीरा और ये सब भुन चुका है, और हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे जितने भी मसाले हैं सारे, और लाल आधी चम्मच लाल देगी मिर्च ज़रूर डालना फ्रेंड्स, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा इसमें। अब हम इसमें सारी ये मसाले की ग्रेवी डाल देंगे जो हमने मिक्सी में पीस ली थी। बस अब हमें इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे। और ढक देना है क्योंकि मसालों की खुशबू उड़े ना इसी के अंदर रहे, तो क्योंकि डालने के बाद इसमें ना तेज तेज छींटे आएंगी तो जलने का डर है फ्रेंड्स। और इसको ऐसे ही भूनते रहना है जब तक ये हमारा सारा मसाला इसके अंदर ऐड नहीं हो जाता ग्रेवी के अंदर। और शाही पनीर किसको पसंद नहीं है,
सबको ही अच्छा लगता है, बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आपके पास बाज़ार की फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई को, फ्रेश मलाई को बिल्कुल अच्छे से फेंट लें, एक कटोरी मलाई को। सो हम वो इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी शाही पनीर में। अब देखिए जब तक ये मसाला चिकनाई नहीं छोड़ेगा ना, तब तक हमें इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाना है, क्योंकि अगर ढक्कन हटा देंगे ना तो फिर सारे में स्प्रेड होएगा, वो मसाला छिटकेगा गैस पे। तो देखिए इसमें खदका आ रहा है अंदर ही अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने एक कटोरी फ्रेश मलाई ले ली थी, जिसको मैंने अच्छे से चम्मच से फेंट लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहा है हमारी मलाई में। और देखिए इसको डालने के बाद इसमें एक अलग ही टेक्सचर आ जाएगा, बहुत अच्छा एक कलर, और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा शाही पनीर का टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स एक चीज़ और है, मेरे को तो वैसे ग्रेवी ऐसी ही पसंद है, वरना मार्केट में तो इस ग्रेवी को जो बाहर बनाते हैं होटल वाले, तो वो तो इसको छानते हैं छन्नी से ना पीसने के बाद, जिससे भी थोड़ा बहुत भी इसमें लम्स वगैरह हो, वो बिल्कुल भी टमाटर के छिलके वगैरह सब चीज़ निकाल देते हैं। बट मेरे को तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं लगती अगर छाना जाए। और यहाँ पर मैंने पनीर को काट लिया है, थोड़ा पनीर का साइज़ थोड़ा मोटा ही रखना है हमने। तो यहाँ हमारा पनीर भी कट चुका है और इधर पनीर की ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल ग्रेवी पक चुकी है अच्छी तरीके से। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। अभी इसे पानी डालकर पकाएंगे 10 से 15 मिनट तक। यहाँ पे हमने जो हमारे जिसमें हमने पीसा था उसी जार में पानी ले लिया है, जिससे कि सारा उसका मसाला छूट जाए, ग्रेवी छूट जाए, और यही पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। सो देखिए फ्रेंड्स अब इसको हमें पकने देना है जब तक इसमें उबाले नहीं आ जाएंगे। बढ़िया से इसमें खदके लाने के बाद फिर इसको थोड़ा सा मंदी कर देना, और एंड में इसमें पनीर डालना है हमने। और सबसे आखिरी में हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और थोड़ा सा मीठा करने के लिए शुगर डाल सकते हैं, आधा चम्मच चीनी डाल सकते हैं आप, नहीं तो आधा चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। तो एज यू विश, आपकी जो मर्जी हो, मैंने तो इसमें आधा चम्मच चीनी डाली है। तो अब चीनी डाल के इसको जब तक उबाले नहीं आते तब तक मेरे को इसको पकाते रहना है। और यहाँ पे देखिए अब इसमें बढ़िया सा उबाला आ रहा है।
ये देखिए अब ये हमारी सब्जी पक चुकी है, खूब अच्छा इसमें ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है हमारी। सो एट द एंड हमें इसमें पनीर ऐड करना है, क्योंकि हम पहले से पनीर डाल देंगे ना तो पनीर हमारा टूट जाएगा। सो फ्रेंड्स जब बिल्कुल बन के रेडी हो जाए ना, तो आखिरी में ही हमें बिल्कुल पनीर ऐड करना है, और इसके बाद हम इसमें एंड में फ्रेश क्रीम डालेंगे ऊपर से। और ये थोड़ा सा पनीर हमने चूरा करके डाला है। ये हमारा बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स।